जिगर तुम्हारा चलता है हर बात से खुशबू आती है, जब जिगर तुम्हारा चलता है हर बात से खुशबू आती है, प्रदेश में क्या महसूस करें बारिश का मौसम मिट्टी की महक, जब अपने होशियारपुर में होती है बरसात तो बरसात मिट्टी से खुशबू आती है। कश्मीर से यहाँ पर आते हैं पंजाब के लिए, खासकर पंजाब के मेले में सरस मेला होता है पंजाब में, जहाँ पर भी होता है हम जाते हैं। बठिंडा था, लुधियाना में था, रोपड़ में था, तो सबसे ज़्यादा हमको कहवा बिकता है। यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है कहवा, कश्मीरी कहवा जो है, ये केसरी इलायची दालचीनी ड्राई फ्रूट्स मलट्टी कहवा पत्ती से बनती है। ये गले के लिए ठीक रहता है, छाती के लिए ठीक रहता है, जुकाम नाक बहती होती है उसके लिए भी ठीक रहता है, छोटा बच्चा होगा उसके लिए भी ठीक रहता है। मेला बहुत ही सुंदर मेला है जो सारस मेले के नाम से जाना जाता है। असल में जो हमारे देश की पुराने रीति रिवाज थे, जो हमारे गांव में पुराने खेल होते थे, जो पुराने कल्चर था हमारा, उसको दर्शाया गया है यहाँ पे। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत ही अच्छा इंतजाम करके लोगों के लिए ये बनाया है, और जितने भी कलाकार यहाँ आए हैं मैं सभी को वेलकम करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे कल्चर पूरे स्टेट्स के बारे सानू नॉलेज इतने मिल रही है जिथे असं नहीं जा सकते हैं। अभी टी वी ही जिन्हों असी देखा है हरेक कल्चर, चाहे वह गुजरात है, राजस्थान है, श्रीनगर हो गया, जम्मू कश्मीर, जो कुछ भी हैगा है, सारी वैरायटीज़ इतने हैगी है। खान पीन का बहुत वधिया हैगा इतने, तो जो डिशिज़ आप नहीं खादिया आप सुनिया आप ट्राई कर रहे हैं इतने। एंड ओवरऑल मतलब होशियारपुर जिते एक छोटा एक सिटी हैगा है, टाउन हैगा है, साढ़े लिए बहुत वधिया हैगा, आप सारा कुछ इतने देखते पे हैं। ये सर इदा है कि अं अपनी एडवरटाइजमेंट कर रहे हैं एक वर्क अपने वुड इनले का, कई लोगों को होशियारपुर पता नहीं है वुड इनले का क्राफ्ट की है, अं एक अवेयरनैस अपनी दे रहे हैं, एक इतने अपना साडा मकसद ये है डिस्प्ले कर कि लोगों अवेयर आए, पता लगे कि होशियारपुर से भी इदा का क्राफ्ट हों। सर बनाने साढ़े चार साल लगे है, पहला जी लकड़ी है टाली की लकड़ी इतने यूज़ की गई जी 100 साल पुरानी है, तो ये 36 तरह के मोटिव है जो नवे असी बनाए हैं वो ये लगाए हैं, तो टोटल इनू काउंट करिए मोटिव सारे 24 लाख मोटिव ये यूज़ किए गए हैं, वो जोड़ा कि एक्रैलिक इनले के नाल काम किया गया है। यदि मार्केट वैल्यू कीमत देखिए 20 लाख रुपया असी कॉस्ट रखी है, अं प्रवासी भारतीय दिवस एक दिल्ली फेयर लगता उत्तरी यदि वैल्यू 16 लाख रुपया लग गई, पर मेरे फादर साहब कहते कि मेरे तो दोबारा ये बांटना नहीं, तो मैं ना बेचना चाहना। तो पहला तो जो सारस मेला है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों एक उपराला है कि जिन्हें अपने आर्टिजन्स ने जेडे कि सैल्फ हेल्प ग्रुप्स ने जोड़ा अपना कम खुद करते हैं उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिता जाए कि वो अपनी आर्ट न अपने प्रोडक्ट्स न इन मेले शोकेस कर सकन तो लोगों तक उसको पहुँचा सकन। तो एक आर्टिस्ट वास्ते भी एक उन्होंने मंच मिलता है क्योंकि सारा दिन कल्चरल प्रोग्राम चलता रहता है, चाहे वो असम का बिहू डांस हो, चाहे वो मणिपुर की मार्शल आर्ट्स हो, चाहे अपने पंजाब का भंगड़ा या गिद्धा हो, या राजस्थान का कालबेलिया हो, डिफरेंट स्टेट्स तो आके
ਆਰਟਿਸਟ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਰਫੁੱਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।